तो सो है फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम लेकर कुछ ब्लैक टून डार्क फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। आप लोग कैसे, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना देरी के करते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो सो फाइनली दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आ चुके हैं अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर कर चुके हैं। तो यहाँ से टूल्स वाला ऑप्शन दिखा देगा, टूल्स पर क्लिक करना है, डिटेल्स पर क्लिक करके सेफनेस को कुछ हल्का से इंक्रीज करके डन कर देना है। यहाँ से हमको फिर से ये टूल्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा, टूल्स पे क्लिक कर ट्यूनिंग इमेज पे क्लिक कर देना है एंड इसकी सेफनेस को भी कुछ हम लोग को 17% इंक्रीज करके इसको हमको यहाँ से डन कर देना है। बस इतना सब हो जाने के बाद हमको यहाँ से सॉरी गाइस, यहाँ से फिर से हमको करना क्या है तो यहाँ से टूल्स पर क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक कर लेने के बाद हमको ये वाला ब्रश पर क्लिक कर देना है एंड ब्रश पर क्लिक कर लेते हैं। ब्रश पर क्लिक करके ये वाला कोना में वाला ब्रश लास्ट वाला ले लेंगे हम, लेकर कुछ अपने ऑटो पर अप्लाई कर लेते हैं। तो कुछ अपने ऑटो पर हम अप्लाई कर लिए हैं। तो अब यहाँ से फिर से हमको करना क्या है तो यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ शेयर पर क्लिक कर देना है। शेयर पे क्लिक हो जाने के बाद हमको डायरेक्ट ऑटोटेक स्केचबुक एप्लीकेशन में फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आ चुके हैं अपने ऑटोटेक स्केचबुक एप्लीकेशन पर, यहाँ से लाइव अर्निंग दिखाई दे रहा है, लाइव अर्निंग पे क्लिक कर लेना है एंड हमको स्क्रॉल करके नीचे आना है, ये वाला हमको ब्रश सेलेक्ट करके यहाँ से इसको बैक कर देना है। इधर अपने आप साइज के हिसाब से देख कर कुछ इधर से क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से ये साइज सेटिंग में जाते हैं, देख सकते हैं फॉलो को 4 रखना है, स्ट्रेंथ को हमको 23% रख लेना है और साइज अपने हिसाब से रख कर कुछ हम लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी कर लीजिए तभी आप लोग मेरे साथ फोटो एडिटिंग करना सीख पाएंगे। तो सो फाइनली दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हो चुका है हमारा फेस स्मूथ इसमें। तब हम लोग करते क्या हैं तो यहाँ से 3 डॉट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये वाला, इस 3 डॉट पे क्लिक करें तो गाइस हम लोग का हो चुका है। तो यहाँ से ये कोने में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 3 डॉट वाला ऑप्शन, तो हमको इस पर क्लिक करना है एंड शेयर पर क्लिक कर देना है। तो शेयर पर क्लिक करने के बाद लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को इम्पोर्ट कर देते हैं हम लोग फटाफट से। लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, आप लोग को बस दिखलाते ही हैं वो किधर आ गया, इधर आया है हम लोग का फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो इस पर क्लिक कर देते हैं एडजस्ट फोटो पे, यहाँ से वाला प्रीसेट पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से इस पर क्लिक कर लेने के बाद हमको यहाँ से 3 डॉट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेते हैं एंड इस पर अब इस पर क्लिक कर लेने के बाद हमको एंड इस पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से डन कर देना है एंड यहाँ से एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हमको बैक आना है एंड अपने ओल्ड फोटो पे जाना है। तो इतना सब कर लेने के बाद हमको फिर से इस 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एक बार। यहाँ स्टेप कर देने के बाद हमको यहाँ से ये वाला पेस्ट सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पेस्ट सेटिंग कर देना है। तो आप देख सकते हैं हम लोग का फोटो एडिटिंग कितना खतरनाक तरीके से हो चुका है। तो गाइस अगर आप लोग मुझे एक लाइक करके फॉलो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप उससे हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा गांव से बिलोंग करते हैं। तो सो फाइनली इस पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ शेयर पे क्लिक करके यहाँ शेयर पे क्लिक कर लेते हैं। हो जाने के बाद हमको फोटो को इम्पोर्ट फिर से कहाँ करना है तो यहाँ से पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर कर देते हैं। इससे देख सकते हैं आप लोग आ चुका है हमारा फोटो। तब यहाँ से हम लोग लाइट लगाएंगे तो यहाँ से इसको हम लोग डाटा ऑन कर लेते हैं एंड यहाँ से हमको डाटा ऑन कर लेने के बाद स्क्रॉल करके इधर आना है एंड यहाँ से हमको ये वाला एक ब्रश दिखाई दे रहा होगा स्टिकर वाला ऑप्शन, डन स्टिकर पे क्लिक कर लेते हैं एक बार।